her. She's my country girl. I recently got this हेयर कलर फ्रॉम एलन ट्रूमैन. कभी कभी क्या होता है कि आपने अच्छे से कपड़े पहने हो, बहुत अच्छा मेकअप किया हो, पर अगर बाल अच्छे नहीं हो तो इट डज नॉट लुक गुड. तो आफ्टर थिंकिंग अ लॉट और लॉट, आई फाइनली गॉट दिस कलर फ्रॉम नायका. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. सो इट कम्स इन अ बॉक्स लाइक दिस. इसमें एक गाइड भी था पर पता नहीं मैंने उसको कहाँ पे रख दिया. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वॉन्ड इज दिस कॉर्ड. ये कॉर्ड बहुत लंबा है तो यूज़ करने में दिस इज सुपर ईजी. एंड द सेकेंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज इसमें ना ये छोटा सा ये स्टैंड आता है, तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो और आपको इसको रखना है तो आप इसको टेबल पे इजीली रख सकते हो. क्योंकि क्या होता है कि ये यूज़ करते वक्त ये वॉन्ड बहुत गर्म हो जाता है, तो यू कैन आप इसको ऐसे ही नीचे नहीं रख सकते. तो इट्स सुपर इजी एंड नाइस. इसमें तीन बटन्स और एक डिस्प्ले भी है. तो ये जो बीच वाला बटन है ये पावर ऑफ और ऑन करने के लिए है, एंड बाकी के जो दो बटन्स हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, और टेम्परेचर आप ये डिस्प्ले में देख सकते हो. आई शो यू इसको लगाने के बाद, आई शो यू हाउ डिस्प्ले में कैसे दिखता है. एलन ट्रूमैन के वॉन्ड में तीन साइजेस मिल रहे थे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. ये लार्ज है क्योंकि मुझे लार्ज कर्ल्स पसंद है. अगर आपको मीडियम या स्मॉल साइज़ की पसंद है तो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप हेयर कर्ल कर रहे हो तो जिस दिन हेयर वॉश किया है उस दिन मत करो, क्योंकि फिर ये कर्ल्स ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे. तो टुडे इज़ द थर्ड डे आफ्टर माई हेयर वॉश. तो या लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो कर्लर ऑब्वियसली, के बाद आपको चाहिए कॉम्ब. कर्ल से पहले कॉम्ब करने के लिए ताकि सेक्शन करने में अच्छा रहे, और कर्ल करने के बाद भी वी विल यूज़ दिस. द नेक्स्ट थिंग यू विल नीड इज़ हेयर हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे. बॉटल अलग थी, मैंने दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर दिया है क्योंकि अभी सिर्फ थोड़ा सा बचा है इसलिए. तो ये तो फॉरेस्ट एसेंशियल का बॉडी मिस्ट का बॉटल है. तो I'll also link this in the description below so you can check it out. And the last thing you need is hairbands. बहुत सारे लोग curl करने के बाद texture के लिए dry shampoo या फिर setting spray भी use करते हैं. अभी मेरे पास वो नहीं है तो I will use these four things only. तो first of all I will comb my hair thoroughly और फिर उसको section में divide करूँगी. मैं तीन सेक्शंस में करूँगी क्योंकि माय हेयर इज़ वेरी थिक, और स्मॉल सेक्शन में करोगे तो इट विल लुक मच बेटर. तो लेट मी फर्स्ट कॉम माय हेयर. अभी सबसे पहले नीचे के सेक्शन से शुरू करेंगे. तो बाकी के जो ऊपर के बाल है आई एम गोइंग टू टाई इट विथ अ रबर बैंड. अभी ये नीचे वाले सेक्शन को भी और दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट और राइट. ओके, नाउ अभी अगर आप लेफ्ट साइड के हेयर को कर्ल कर रहे हो तो वॉन्ड को राइट हाथ में पकड़ के लेफ्ट हैंड से एक स्ट्रैंड निकालिए और वॉन्ड को सिर के ऊपर से पकड़ के फिर ऐसे करके इसको रोटेट करना है. अभी जब रोटेट कर रहे हो तो ये स्ट्रैंड को ऊपर से थोड़ा नज़दीक से पकड़ के रखो ताकि जब रोटेट कर रहे हो तो वो अच्छे से हो पाए ऐसे.
और इसको 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर उसको रिलीज़ करके ऐसे हाथ में पकड़े रखना है थोड़ी देर के लिए, 3 to 4 सेकंड्स, और उसके बाद इसको रिलीज़ करना है ताकि कर्ल ज़्यादा देर तक होल्ड करे। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो हेयर के वेट की वजह से वो लूज़ हो जाएंगे, दैट्स राइट। और अगर राइट साइड से कर रहे हो तो उससे उल्टा, लेफ्ट हाथ में वॉन पकड़ के राइट हाथ में बाल पकड़ के उसको रोटेट करना है। अभी ये ऑन नहीं है, डोंट वरी। सो नाउ लेट्स टर्न ऑन दिस कर्लर एंड आई शो यू द डिस्प्ले एंड एवरीथिंग। सो लेट्स डू दैट। दिस इज द डिस्प्ले। राइट नाउ द कर्लर इज ऑफ, तो बीच वाला बटन लगा के यू टर्न ऑन। तो राइट नाउ इट्स ऑन 31 डिग्री। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे दिखाई देगा और ये बार ऐसे एनिमेट होगा। सो लेट्स वेट अंटिल इट्स रीच टू 180। अभी ये 180 पे हो गया तो ये बार भी अटक गया। अभी ये दो बटन से यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। इसको दबा के यू कैन डिक्रीज, तो 175 हो गया, तो फिर वापस से वो नीचे जाएगा 175। अभी वापस से 180 करते हैं, तो आई एम प्रेसिंग दिस बटन 180। सो नाउ इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। That's it. So before start curling my hair, I will spray the protective spray. जब भी आप ये protective spray use कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा apply मत करो, क्योंकि फिर कर्लिंग या स्ट्रेटनिंग व्हाटएवर जो भी करे वो अच्छे से नहीं होगा अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपके हेयर पे होगा तो। जस्ट लाइक आई शोड यू, मैं ये छोटा सा स्ट्रैंड ले रही हूँ, इसको ऐसे पकड़ के आई विल रोटेट इट, होल्ड इट फॉर 8 to 10 सेकेंड्स। And I will hold it in my hand for a few seconds. और छोड़ूंगी ऐसे ही करके। I'll do the whole lower section and I'll see you after that. क्योंकि आप फिर ऐसे ही बोर हो जाओगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। As you can see, the lower section is done. तो अभी मैं middle section का करूँगी। As I told you, my hair are thick, तो मुझे 3 sections में divide करके करना पड़ रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा thick नहीं है तो you can easily do it in 2 sections. So अभी मैं middle section का करूँगी and I'll see you after that. जैसे कि हमने लोअर सेक्शन में किया, इसको ये मिड सेक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। लेट मी कॉम्ब इट अगेन। अब
forgot to apply the protective spray. ऐसे हमेशा होता है. Okay, so this mid section is also done. अब सिर्फ ये टॉप का सेक्शन बाकी है, तो लेट्स डू दैट ऑल्सो. आई एम गोइंग टू टाई द राइट सेक्शन अप, क्योंकि अभी बहुत सारे बाल ये नीचे हो गए हैं, तो इट्स मिक्सिंग और मैं मिरर में नहीं देख रही हूँ, तो इट्स लिटल डिफिकल्ट फॉर मी. आई एम सो सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा ही फनी दिख रही हूँ इसमें, तो बट करना पड़ता है because I'm enjoying this a lot. Let's comb it again. मुझे लग रहा है इसको भी कुछ ज़्यादा ही है ये. इसको भी टू सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे. Okay, so the curling is done, but wait, अभी बाकी है. You need to comb it. ज़्यादा नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर से करना है. अगर ज़्यादा करोगे तो curls ज़्यादा loose हो जाएंगे और निकल जाएंगे. और एक और बात, curl करने के immediately नहीं करना है, थोड़ा ठंडा होने दो बाल curls को और उसके बाद comb करना है. So I'll do that and show you. So yeah, this is how I curl my hair. I hope you've enjoyed this video. If you have any question, query, do let me know in the comment. And please subscribe to my channel. And yeah, that's it. And I'll see you in the next one. Bye.